नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन चल रहा है और जस्ट अभी एक नंबर आए हैं और बहुत ही शानदार नंबर दिख रहे हैं। ये कैंडिडेट बनता है कल एक बड़ी तेजी का। इस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूं, इनफैक्ट दो नंबर है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ओपन मार्केट में आ गए थे जो कि अपने नंबर्स के बाद 5.5% ऊपर बंद हुआ है स्टॉक, और एक जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आपके लिए नंबर आते हुए दिखे। स्टार्ट करते हैं। स्टॉक का नाम है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। इस शेयर की बात करें तो 1112 रुपए के लेवल्स पे आज बंद हुआ है 1% तेजी के साथ। इस स्टॉक के बारे में पहले रिजल्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न क्या फ्रेश एंट्री के मौके दे रहा है ये स्टॉक और जिसके पास उसे क्या करना चाहिए, एंड सेकेंड जो स्टॉक है उसके भी रिजल्ट्स आप सुन लेना। पहले मैं आप कार्बोरेंडम यूनिवर्सल के स्टॉक के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है अपने निवेशकों को ₹2 per share का। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ₹2 per share का कंपनी ने आपके लिए डिविडेंड दिया है। अगर आप इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये हो गया है डबल से भी ज्यादा, यानी कि 100% से भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है इस कंपनी का मुनाफा साल दर साल। 57 करोड़ के सामने कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करा है 137 करोड़ का। तो तंगड़े नंबर दिख रहे हैं मुझे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 57 करोड़ से बढ़कर सीधे 137 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है साल दर साल। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करोगे तो लगभग 109 करोड़ से बढ़कर 137 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है। तो चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, दोनों जगह कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, साल दर साल तो डबल से ज्यादा हो गया। तो तंगड़े नंबर दिख रहे हैं। आगे अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में भी अच्छा खासा इजाफा दिख रहा है। साल दर साल 869 करोड़ से बढ़कर 1183 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने साल दर साल पेश करा है। वहीं बात करें अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की तो 1170 करोड़ के सामने 1183 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। कामकाजी मुनाफा देखोगे आप तो 111 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ का, यानी कामकाजी मुनाफा डबल से थोड़ा कम बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट डबल से ज्यादा बढ़ा है। इसका सीधा इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है मार्जिन्स पे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कामकाजी मुनाफा एक बार दोबारा आपके साथ रिपीट कर दूं, 111 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ का हो गया है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स में शानदार जंप है, 12.76% से बढ़कर 16.09% के हो गए। तो एबिटा मार्जिन्स काफी ज्यादा सुधरते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक के, और इसी के चलते ये स्टॉक आपके लिए कल फोकस में रहना चाहिए। अब कार्बोरेंडम स्टॉक के बारे में अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूं कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न कैसा है और कल के सेशन में कैसा ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है इसके बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कार्बोरेंडम यूनिवर्सल का। स्टॉक की बात करूं तो 6 महीने में इस स्टॉक ने आपको 37% के रिटर्न्स दिए हैं। एक साल की बात करूं तो लगभग 51% के रिटर्न्स दिए हैं। दो साल की बात करूं तो ये मल्टी वैगर है ऑलमोस्ट 84%, जहां बाजार ने कुछ नहीं करा वहां ये स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन 5 साल में 204%, 10 साल में 800%, बड़ा तंगड़ा स्टॉक दिख रहा है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मैं लिटरली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसको देखा है बट कभी मैंने इसको डिटेल में नहीं देखा। बहुत ही तंगड़ा चार्ट पैटर्न है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपसे कहूंगा तो ये हायर लेवल्स पे 63 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, बट जिसके पास है वो अभी भी बने रहे हैं, टेक्निकल बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए छोटा स्टॉप लॉस तो पास का ही बनेगा, बट मैं आपसे कहूंगा 1040-1050 के समथिंग का आप स्टॉप लॉस रखें जिसने पहले से ले रखा है। स्टॉक को होल्ड करके चलें। स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा है, और ये स्टॉक अपनी एक अलग ही जर्नी में चल रहा है। और ये मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, 2002 में कंपनी का शेयर आया था, वहां से 1,00,000% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। 1 रुपए का शेयर था ये 1 जुलाई 2002 को, और अभी 1100 रुपए का शेयर है, और लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 1150 का इसका लाइफ हाई है और आज का हाई 1130 का है। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कैंडिडेट बन सकता है, मुझे लगता है। इसको हम एक बार डिटेल में और थोड़ा एनालाइज करेंगे, मैं अब इसको चेक जरूर करूंगा, इतना बढ़िया नया स्टॉक दिख रहा है ये तो, बहुत अच्छे नंबर है, बट फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं सेकंड स्टॉक जिसके ऑलरेडी नंबर्स आ चुके हैं। एक और मैं स्टॉक आपके साथ शेयर करता हूं, बट अब इस स्टॉक के नंबर्स तो बहुत तंगड़े दिख रहे हैं आपको, बट मैंने सोचा नहीं था मैं इसके बारे में बात करूंगा, जस्ट अभी भी नंबर आ गया तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने 12.5 रुपए per share का दिया है डिविडेंड, 3% से ज्यादा होता है, 473 रुपए का है, ऑलमोस्ट 3% के समथिंग का है, ज्यादा तो नहीं है। 473 रुपए पे आज 3% बढ़कर ही स्टॉक बंद हुआ है। 12.5 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। कंपनी को एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है लगभग 15 करोड़ का, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो मुनाफा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।
मुनाफा उसके बावजूद भी बहुत तंगड़ा हुआ है, लगभग साल दर साल 57 करोड़ से बढ़कर 139 करोड़ का हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट घट गया है, 170 के सामने 140 करोड़ है। अगर इसको मैं 15 करोड़ और ऐड भी कर दूंगा तभी 155 करोड़ होगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट गिरा है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बढ़िया है। आप मार्जिन देखिए, मार्जिन देख के मेरे को शॉक लगा है। 81 करोड़ से प्रॉफिट कामकाजी मुनाफा बढ़ गया 229 करोड़ का है। एबिटा 81 करोड़ से बढ़कर 229 करोड़ का हो गया है। एबिटा मार्जिन देखिए आप 19.2% से बढ़कर 38.74% पे मार्जिन आए हैं। स्टॉक का नाम मैंने आई थिंक आपके साथ शेयर नहीं करा, आंध्रा पेपर। आंध्रा पेपर स्टॉक का नाम है जिसने अभी नंबर पेश करे हैं, 12.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। मार्जिन डबल हो गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, प्रॉफिट भी डबल हो गया ईयर ऑन ईयर बेस पे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी डिप देखने को मिली है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार कैसा दिख रहा है आंध्रा पेपर। और पेपर स्टॉक्स के नंबर तंगड़े ही आने हैं, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। स्टॉक का टेक्निकल बेस पे चार्ट पैटर्न कुछ ज्यादा खास नहीं है, मुझे लगता है जिसपे है वो बने रहे और जिसपे नहीं है वो अवॉइड करें। तो मेरी तरफ से आपके लिए दो स्टॉक। वैसे एक और स्टॉक जिसके बारे में आप सभी के साथ अभी बात करने वाला था, चाहता था बात करना बट कर नहीं पाया, वो स्टॉक आपके लिए आज के सेशन में था अवध सुगर। इसके भी नंबर बहुत अच्छे आते हुए दिखे जिसके बाद स्टॉक 6% तेजी में बंद भी हुआ है, ओपन मार्केट में नंबर आए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।